गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल मैं राजेंद्र मंडली आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं क्लास ट्वेल्थ एमपी बोर्ड इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर फिफ्टीन के आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे चैप्टर नंबर फिफ्टीन द आइज़ आर नॉट हीयर दो अंधे कैरेक्टर थे इसमें जिसको हमने बहुत ही अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ा था इसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा जिसमें हमने टेक्स्ट बुक पूरी कम्प्लीट कर दी है क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर फिफ्टीन पर हैं वर्कबुक ग्यारह चैप्टर तक कर दी है हमने ग्रामर पूरी कंप्लीट कर ली है राइटिंग स्किल कर ली है है ना और वर्कबुक अभी इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का कुछ पोर्सन बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करेंगे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम फिर स्टार्ट करेंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे ठीक है दोस्तों तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करें चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं वाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव वेन द सा हर ऑफ यहाँ पर एक इस क्वेश्चन को के अर्थ को यदि हम समझें तो वो ये है कि वो अंधी लड़की थी उस अंधी लड़की को ट्रेन में छोड़ने के लिए उसके मम्मी पापा या उसके पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने उसको क्या निर्देश दिए थे क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे यहाँ पर एक फ्रेज आया है सी ऑफ है ना या सा हर ऑफ लिखा हुआ ये इसका अर्थ होता है विदाई देना ठीक है तो जब उसको विदा करने आए थे या ट्रेन में छोड़ने के लिए आए थे बैठाने के लिए आए थे उन्होंने क्या उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे दे गेव हर इंस्ट्रक्शन एज टू हेयर टू कीप हर थिंग्स है ना उन्होंने निर्देश दिए थे कि अपनी वस्तुओं को अपने पास में रखें वेन नाट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज़ खिड़की से बाहर नहीं झुकना है लीन का अर्थ होता है झुकना एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स और अजनबियों से किस प्रकार से बातें करना है और उनको कैसे अवॉइड करना है क्वेश्चन नंबर टू है हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग देन द साइटेड मतलब लेखक के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लेसन की बात कर हैं हम लेखक के अनुसार अंधा व्यक्ति जो दिखाई देने अंधा व्यक्ति दिखाई जिनको दिखाई देता है उनसे अच्छा के अच्छे से कैसे समझ सकता है यहाँ पर लेखक इसमें इसी चर्चा होती है तो टू द ऑथर इट ऑफन हैपन्स है ना लेखक के अनुसार ऐसा कभी कभार होता है दैट पीपल विद गो गुड आई साइड फेल टू सी वाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ दैम है ना लेखक ये कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जिनकी आंखें अच्छी हैं वह भी देखने में गलती कर देते हैं कि उनके सामने क्या है दे हैव टू मच टू टेक इन वेरियस पीपल हु केन नाट सी हैव टू टेक इन ओनली इसेंशियल ठीक है और उनके बदले में जो ठीक से नहीं देख पाते हैं वह भी समझ लेते हैं कि आखिर सामने जो है वो उसमें ज़रूरी चीज़ क्या है इसेंशियल मतलब प्रारंभिक या जरूरी है डो यू थिंक द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ आप क्या समझते हैं कि लेखक बचपन से अंधा था है ना जस्टली हम आप कीजिएगा जस्टिफाई योर एंसर फ्राम द हिंट्स गिवन इन दोरी मतलब स्टोरी में जो हिंट दी गई है उनके अनुसार अपने इस प्रश्न के उत्तर को जस्टिफाई कीजिए या इस प्रश्न के साथ न्याय कीजिए तो चलिए न्याय करने का प्रयास करते हैं चलिए नौ no, नहीं आई डो नॉट थिंक दैट ही वॉज़ ब्लाइंड बाई बर्थ मैं ये नहीं सोचता या नहीं सोचती कि वह जन्म से ही अंधा था कौन लेखक द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाइंग दिस आर है ना इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं या ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है जिससे ये पता चल रहा है कि वह जन्म से अंधा नहीं था कैसे देखते हैं एज आई वॉज़ टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम जैसे कि यह था कि मैं यदि पूरे तरीके से अंधा होता या हूँ इंडिकेट दैट ही वाज ब्लाइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम की वह एक निश्चित समय पर या समयावधि में अंधा हुआ था उसके बाद में देखते हैं फर्दर ही कॉल्स इसके बाद में वो कहता है द साइड ऑफ मसूरी विच क्लियरली इंडिकेट दैट ही वाज सीन डीज या दोज़ प्लेसेस फिर उसके बाद में वो मसूरी की बात करता है है ना म, मसूरी जाने की बात करता है इसका मतलब ये है कि उसने मसूरी जैसे स्थानों को पहले कभी देखा होगा देर फोर ही वाज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह जन्म से अंधा नहीं था क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलें हाउ डिड द ऑथर प्रिवेंट हीज कंपेनियन फ्राम डिस्कवरिंग दैट ही वाज ब्लाइंड अब वो जो लड़का रहता है मीन्स यहाँ पर लेखक कौन है वो ट्रेन के डिब्बे में दो व्यक्ति बैठे रहते हैं एक लड़का बैठा रहता है है ना और एक लड़की बैठी रहती है तो ये जो एक लड़का और एक लड़की बैठी रहती है तो जो लड़का रहता है वह कोशिश ये करता है और उसको पता भी नहीं होता है कि सामने वाली जो लड़की है वो अंधी है है ना ये लड़की है उसको पता भी नहीं होता है कि ये सामने वाली लड़की जो है अंधी है तो वो छुपाने की कोशिश करता है कि कहीं इसको पता ना चल जाए कि मैं अंधा हूँ तो वही है क्वेश्चन देखते हैं कैसे करता है द ऑथर प्रिवेंटेड हिज कंपेनियन कंपेनियन का अर्थ होता है साथी फ्रॉम फ्राम डिस्कवरिंग दैट ही वॉज़ ब्लाइंड बाय कीपिंग टू हिज सीट बाय ओकेशनली लुकिंग आउटसाइड द विंडो एंड प्रिवेंटिंग टू बी एन्जॉइंग द सीन्स आउटसाइड वो क्या करता है सीट पर बैठा रहता है और बार बार खिड़की से बाहर देखता है और कोशिश करता है मतलब सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अंधा व्यक्ति कि मैं बाहर की चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ देख रहा हूँ बाहर के दृश्यों को क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय ए सेफ रिमार्क सेफ़ रिमार्क से कवि का क्या आशय है लेखक का क्या आशय है द ऑथर सेट दैट सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस लेखक ने कहा कि लड़की का चेहरा जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है दिस रिमार्क ही कंसिडर्ड टू बी सेफ विच मीन्स इट वुड नाट प्रोवोक हर वो ऐसा कहकर अपने आप से ये कहता है या समझता है कि लड़की अब मुझसे नाराज नहीं होगी और यही सेफ रिमार्क की वो बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें वाट वाज द ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट है न लेखक कब हंसने का प्रयास करता है वैन द गर्ल रिमार्कड अबाउट द ऑथर्स सीरियसनेस एंड आस्ट द रीज़न फॉर इट ही थाट दैट ही वुड ट्राई टू लाव फॉर हर देखिए वो लड़की जब उससे ये कहती है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो है ना उसकी सीरियसनेस के बारे में जब uh, लड़की उससे कहती है तो उस समय वह हंसने का प्रयास करता है क्वेश्चन नंबर सेवन है हाउ डिड द ऑथर नो दैट द ट्रेन वाज गोइंग टू स्टॉप एट देशन स्टेशन लेखक को जान जो या जो अंधा लड़का है उसको कैसे पता चलता है कि अब स्टेशन आ गई है और ट्रेन रुकने वाली है है ना तो द इंजन विसल सरिंग है ना द केज वेल्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम है ना इंजन का की जो विसल है मतलब इंजन जो पप पप की पप 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 की आवाज़ करता है हाँपने की आवाज़ करता है मतलब सीटी बजाता है इंजन से सीटी की आवाज़ आती है और इस ट्रेन के जो पहिए हैं वो भी अपना साउंड चेंज कर देते हैं एंड और उसके रिदम चेंज कर देते हैं सो ही वाज एबल टू नो दैट द ट्रेन वाज गोइंग टू इंटर द स्टेशन इससे वो ये जान जाता है कि अब स्टेशन पर ट्रेन जाने वाली है क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट गेम डिड द ऑथर प्ले विथ हिज फेलो ट्रेवलर्स है ना जो उसके साथ साथी ट्रेवलर यात्री होते हैं उनके साथ वो कौन सा गेम खेलता है यही गेम खेलता है वो कि जो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है कि वह अंधा है द गेम ऑफ नॉट टेलिंग हीज फेलो ट्रेवलर्स न्यू डेट ही वॉज़ ब्लाइंड यही गेम खेलता है और कोशिश करता है कि छुपाने की कि वह अंधा नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइन है वाई डिड द न्यू पैसेंजर नाट नोटिस द गर्ल्स हेयर वाई डिड द न्यू पैसेंजर नाट नोटिस द गर्ल्स हेयर नया पैसेंजर जब उस लड़के के कंपार्टमेंट में आता है और उस लड़की से वो लड़की को पहले ही देख देखा देख चुका होता है ट्रेन के अंदर आने से पहले ही तो उसने उसके बालों को नोटिस क्यों नहीं किया था है ना उसने उसके बालों को नोटिस इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसकी आँखों को वो देख रहा था ठीक है ही नोटिस हर आईज उसने उसकी आँखों को नोटिस किया था दे वर ब्यूटिफुली बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर उसकी आँखें बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं था सी वाज कंप्लीटली ब्लाइंड सो ही डिड नाट हर सो ही डिड नाट नोटिस हर हेयर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर थी लेकिन वो अंधी थी इसलिए वह उसके बालों पर उस नए पैसेंजर का ध्यान नहीं गया था ठीक है दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं. साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास जहाँ तक हो सके प्लीज़ 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू तो ऑल ऑफ यू आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव स्पेशली क्लासमेट्स के पास जहाँ तक हो सके इन वीडियोस को आप शेयर जरूर करें क्योंकि अब ज़्यादा समय हमारे पास नहीं रहा है वह भी इनकी तैयारी कर सकेंगे ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे साथ ही चैनल पर कुछ स्टूडेंट नए हैं तो उनको फिर से मैं जानकारी दे दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी तैयारी बखूबी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ